आखिरकार मैंने ये डिवाइस बना ही लिया जिससे यार किसी भी इंसान को मैं सुपर हीरो बना सकता हूँ। अरे सही बोले तो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि मैं सुपर विलन बनाने वाला हूँ और सारे एवेंजर को सबक सिखाऊंगा उसके बाद। क्या बात है सर, आप कमाल के हो, मुझे पक्का भरोसा था आप पर कि आप ये डिवाइस बना लोगे। अरे जान, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ये डिवाइस सबसे पहले मैं तेरे ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं तेरे अंदर एक सुपर पावर डाल दूंगा, चल सामने खड़ा हो जा। अब ये डिवाइस से मैं तेरे अंदर सारी पावर्स डालता हूँ। बस इसका मतलब है कि इसके बाद मेरे अंदर भी ढेर सारी सुपर पावर्स आ जाएगी। हाँ जान, यही तो, इसीलिए तो मैंने ये डिवाइस बनाया है। चल जल्दी से सामने ही खड़ा रहना और हिल डुल मत करना, मैं तेरे अंदर सारी पावर्स डालता हूँ, बस देखता जा। थोड़ी देर के अंदर ही तेरे अंदर सारी सुपर पावर आ जाएगी। पर बॉस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे नहीं, मेरा सर घूम रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, लगता है मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। छोड़ो यार, एक गया तो क्या हुआ, मैं कोई और बंदा ढूंढ लूंगा। अभी अपन को इधर से जल्दी से निकलना पड़ेगा, कोई मुझे देख ना ले। गाइस, डॉक्टर जे बैक ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बंदे को मार दिया था, पर उसे लग रहा था कि ये बंदा मर चुका है, पर ऐसा नहीं था गाइस, क्योंकि इस बंदे के अंदर कुछ ऐसा होने वाला जो पूरे लॉस सैंटोस के लोगों की जिंदगी बदल देता, क्योंकि ये इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और ये ज़ॉम्बी अब जिस भी इंसान को काटेगा वो इंसान भी इसके साथ ज़ॉम्बी बन जाएगा। धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी एक एक करके सारे इंसानों को काटना शुरू कर चुका था और इसके साथ भी ज़ॉम्बीज बढ़ने लगे थे लॉस सैंटोस में। डॉक्टर जेबैक इस ज़ॉम्बी को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर गाइस अब काफी ज्यादा समय हो चुका था, अब इस ज़ॉम्बी को कोई नहीं रोक सकता था और पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बियों से भरने वाला था। कुछ ही देर में लैब के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसके बाद लॉस सैंटोस के भी सारे लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू कर चुके थे, पर अपने फ्रैंकलिन को इस बात का पता ही नहीं था और सीधे लॉस सैंटोस में चला गया। पर अचानक से जब उसने सामने देखा तो लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी बन करके तैयार थे उसको खाने के लिए। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है फ्रैंकलिन के साथ में, और क्या लॉस सैंटोस के सारे लोग फ्रैंकलिन को भी ज़ॉम्बी बना देंगे? अगर तुम्हें जानना है तो ये वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे यार ये क्या हो गया, लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए? भाई चारों तरफ तो ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुका तो ये लोग मुझे भी ज़ॉम्बी बना देंगे, मुझे जल्दी से इधर से भागना पड़ेगा। ओ नहीं यार ये क्या, मैं तो चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मुझे जल्दी से घर जाना पड़ेगा। पता नहीं सिंचन और चॉप अभी सही सलामत है कि नहीं, या वो लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। पर आखिर लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन रहे हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? छोड़ो यार, सबसे पहले घर चलता हूँ और जाकर के चॉप और सिंचन को देखता हूँ। अरे नहीं यार ये तो मेरी कार को ही तोड़ रहा है, मुझे जल्दी से इधर से निकलना पड़ेगा, अगर थोड़ी देर और रुका तो सही में मैं फंस जाऊंगा। ओ नहीं यार ये लोग तो चारों तरफ ही है, लग रहा है यार लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि लॉस सैंटोस के सारे लोग आखिर ज़ॉम्बी बन कैसे रहे हैं, पर सबसे पहले तो अपनी कार से ही इन लोगों को मारूंगा मैं। भाई साहब ये लोग तो ढेर सारे हैं, मेरी गन की बुलेट्स खत्म हो जाएंगी, पर ये लोग नहीं खत्म हो रहे। भाई ये भी आ गया, भाई मोटा सा ज़ॉम्बी, फिलहाल मैं इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता हूं, भलाई इसी में होगी कि मैं यहां से निकल जाऊं। अच्छा हुआ यार मैं अपने घर के पास पहुंच गया, मुझे लगा था यार वो ज़ॉम्बी सब आज तो पक्का मुझे ज़ॉम्बी बना देंगे, पर कोई नहीं यार, फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब जल्दी से चॉप और सिंचन को देखता हूँ, बस ये दोनों सही रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को भी मार दूँ। चॉप सिंचन किधर हो? अरे यार चॉप सिंचन कोई नहीं दिख रहे, आखिर ये दोनों कहाँ चले गए, कहीं ये दोनों भी तो ज़ॉम्बी नहीं बन गए? नहीं यार हो सकता, ओ यार चॉप तो वहाँ पर है। चॉप मेरे भाई रुक जा, बाहर नहीं जाना, बाहर खतरा भाई, खतरा ही खतरा है। यार तूने सिंचन को देखा क्या? अरे यार फ्रैंकलिन मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, चला जाए यहाँ से। अबे क्या हो गया चॉप, बात क्यों नहीं कर रहा तू? कलुए के बच्चे तूने आज मेरा खाना दिया ही नहीं, मैं सुबह से खाली पेट भूखा पड़ा हूँ यहाँ पर। अरे चॉप तुझे खाने की पड़ी है, तुझे पता है लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पहले बता सिंचन किधर है? मुझे क्या पता, सिंचन तो सुबह से ट्रेवर के साथ गया हुआ है। अबे यार ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब है सिंचन भी खतरे में है। यार मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, एक मिनट, लगता है यार टोनी का कॉल आ गया। हाँ टोनी बोल क्या हो गया? फ्रैंकलिन तुझे पता है ना लॉस सैंटोस के सारे लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हाँ यार टोनी मुझे पता,
हुआ है और अभी अभी मैं अपनी जान बचा करके वहाँ से आया हूँ। तो फ्रैंकलिन, मैं बता दूँ कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो तू मेरे पास आ जा। ठीक है टोनी, मैं अभी आता हूँ तेरे पास। चौप मेरे भाई, चल अपन लोग को जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो यार हम लोग भी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। हाँ यार फ्रैंकलिन, चल जल्दी से चलते हैं, मुझे यार कुत्ता ज़ॉम्बी नहीं बनना। अब तो अपने को जाकर के ही पता चलेगा आखिर ऐसा हो क्यों रहा, लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन रहे हैं। ऊपर से यार ट्रेवर भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं ट्रेवर के साथ में सिंचन सेफ होगा कि नहीं। अरे फ्रैंकलिन तू टेंशन ना ले, तुझे पता है ना ट्रेवर कितना ज्यादा खून खा रहा है, अगर कोई ज़ॉम्बी उसके पास आएगा तो वो सारे ज़ॉम्बियों को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। अरे हाँ यार, मुझे ट्रेवर पे पूरा भरोसा है कि वो इतनी आसानी से तो ज़ॉम्बी नहीं बनने वाला। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो चुकी है कि हम लोगों को सेफली जाना है टोनी स्टार्क के पास और चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। भाई फ्रैंकलिन चाहे कुछ भी हो जाए यार, मेरे को मरने के लिए नहीं छोड़ना, चुपचाप सीधे अंदर ले ले। भाई इतना ज्यादा खतरा मैंने कभी नहीं देखा था, मैं किसी भी समय ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। टेंशन ना ले चौप, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब कोई भी ज़ॉम्बी हम लोगों को नहीं काट सकता। चलो यार अब अंदर चलते अपन लोग। अरे यार कलुए, तूने पूरी की पूरी कार ही अंदर लेकर के आ गई। भाई यहाँ पर तो मेरे को आयरन मैन कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे पता नहीं यार ये टोनी कहाँ चला गया, हम लोगों को यहाँ पर बुला करके खुद ही गायब हो गया। चल यार कहीं ना कहीं तो होगा, अपन लोग उसको खोजते हैं। भाई इसके लैब में तो एक से एक खतरनाक डिवाइस है, एक अपन लोग भी ले लेंगे। अरे यार टोनी मेरे भाई, तू किधर है? फ्रैंकलिन मैं इधर हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना सूट पहन रहा था, ये देख मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। टोनी तूने बोला यार कि तुझे पता चल गया कि लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन रहे हैं। चल अब मेरे को ये बता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फ्रैंकलिन, डॉक्टर जेबैक हम लोगों का सबसे खतरनाक दुश्मन एक एक्सपेरिमेंट करके सुपर विलन बना रहा था और गलती से उसने ज़ॉम्बी बना रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब डॉक्टर जेबैक भी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसका मतलब ये है कि अब ज़ॉम्बी को कोई भी नहीं रोक सकता। अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब हम लोग ज़ॉम्बी सबको रोकेंगे कैसे? यार मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता इतनी जल्दी। फ्रैंकलिन जब तक हम लोग ज़ॉम्बियों को ठीक करने का कोई उपाय नहीं निकालते, सबसे अच्छा ये होगा कि सारे लोगों को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, माइकल ट्रेवर सिंचन सब। ठीक है यार टोनी, मैं समझ गया यार, मैं जाता हूँ और जा करके पहले माइकल को लेकर के आता हूँ, क्योंकि यार ट्रेवर के साथ में सिंचन है और ट्रेवर फोन नहीं उठा रहा है, तो अच्छा ये होगा कि पहले मैं माइकल को ही लेकर के आ जाऊँ, उसके बाद मैं और माइकल जा करके सिंचन और ट्रेवर को लेकर के आ जाएंगे। चला जा चौप, अपन लोग को जाना पड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन मैं तो बोलता मुझे यही छोड़ दे, मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी है। अरे फट्टू चौप कुछ नहीं होगा तुझे, तू मेरे साथ है, चुपचाप चल मेरे साथ, मैं अकेले ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा, अगर मैं बनूंगा तो मैं तुझे भी ज़ॉम्बी लेकर के बनूंगा। फ्रैंकलिन मेरे भाई ये सारे ज़ॉम्बी तो यहाँ तक आ गए, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मरने मत देना फ्रैंकलिन, चल जल्दी से माइकल को लेकर के वापस आते हैं। अरे हाँ यार चौप तुझे कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बियों से भर गया यार, जिधर देखो उधर ही ज़ॉम्बी है। भाई यहाँ तो पुलिस वाले भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। गाइस ये देखो यार सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बाप रे ये लोग तो खून के प्यासे बन चुके हैं, अगर मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो ये मेरा मीठा खून आराम से चूस जाएंगे। अबे चौप तेरा खून मीठा कब से हो गया? अरे मैं ढेर सारी मिठाइयाँ खाता हूँ ना, तो मेरा खून मीठा ही होगा ना, छोड़ तुझे नहीं समझ में आएगा। चला अपन लोग आ चुके हैं माइकल के घर, अब जल्दी से माइकल को उठाते हैं, उधर से लेकर के निकल जाते हैं। हाँ यार देर करने से फायदा नहीं है, चल जल्दी से चलते हैं और माइकल को उठाते हैं। पर यार माइकल के घर इतना सन्नाटा क्यों है, पहले मुझे जाकर के देखना पड़ेगा माइकल सेफ तो है। ओ भाई साहब यहाँ पर भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं, पहले तो मुझे इन लोगों को उड़ाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं माइकल को जब लेने जाऊं तो ये ज़ॉम्बी मेरे पर अटैक कर दे, पहले इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा। गाइस ये मोटा वाला ज़ॉम्बी तो वापस आ गया यार, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। गाइस ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है यार, एक बार मरने के बाद फिर से जिंदा हो जा रहे हैं। चलो यार पहले पता लगाते हैं कि माइकल का, ओ नहीं गाइस ये क्या, ये तो माइकल का नौकर है। भाई ये लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। गाइस मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ओ नहीं गाइस ये तो जिमी है यार, जिमी भी ज़ॉम्बी बन चुका है। पता नहीं यार माइकल ठीक होगा कि नहीं। गाइस मुझे लगता है यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हम लोगों के आने में देर हो चुकी है, इधर तो चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। अबे यार दूर रह मेरे से। चौप मेरे भाई तू यहीं पर रुक, मैं अंदर जाता हूँ और जाकर के अगर माइकल ठीक होगा तो उसे लेकर के आता हूँ। फ्रैंकलिन तुझे जो करना है जल्दी करना भाई। यार मैं अंदर तो आ गया पर माइकल तू मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा। माइकल माइकल मेरे भाई तू जिंदा है कि ज़ॉम्बी बन गया? अरे यार माइकल किधर, मेरे को तो माइकल कहीं भी नहीं दिख रहा है। भाई साहब मैं नहीं चाहता यार कि माइकल ज़ॉम्बी बन जाए, चलो यार चल करके ऊपर देखते हैं। अरे यार माइकल तू किधर है? अबे यार माइकल तू यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहा है? चल तुझे यहाँ से जाना नहीं है, तुझे पता है
सारे लोग जॉम्बी बन रहे हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, अब मैं जाके क्या करूंगा यार, तेरी भाभी भी जॉम्बी बन चुकी है, तेरी भतीजी भी जॉम्बी बन चुकी है, और जिमी मेरा बेटा वो भी जॉम्बी बन चुका है। अबे हाँ यार, ये लोग तो सबके सब जॉम्बी बन चुके हैं, सिर्फ माइकल ही बचा हुआ है। माइकल, मैं नहीं चाहता यार कि तू भी जॉम्बी बन जाए, चल मेरे साथ चल। नहीं यार फ्रैंकलिन, मैं अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इन लोगों के साथ ही जॉम्बी बन जाऊंगा। अरे बेवकूफ माइकल, अबे यार इन लोगों ने तो माइकल को भी काट लिया। ओ नहीं गाइस, माइकल भी जॉम्बी बन चुका है। अब तो यार यहाँ पर आना ही बेकार हो गया, हम लोगों को इधर से निकलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं हुआ यार यहाँ पर आकर के। चौप मेरे भाई, हम लोगों को इधर से भागना पड़ेगा, माइकल भी अब जॉम्बी बन चुका है, यहाँ पर आना बेकार हो गया। अरे यार गई भैंस पानी में, मुझे पहले ही पता था यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ओ नहीं, अब तो हम लोग चारों तरफ से गिर भी चुके हैं। गाइज, माइकल जॉम्बी बन चुका था, ट्रेवर और सिंचन का कोई पता नहीं था, और फ्रैंकलिन और चॉप भी चारों तरफ से जॉम्बियों से घिर चुके थे। तो गाइज, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? अगर तुम्हें जानना है तो इसका अगला पार्ट तुम्हें जरूर देखना चाहिए। पर गाइज, आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। गाइज, आप लोगों से मिलता हूँ कल एक और धमाकेदार वीडियो में।